मैं हर दिन देख रहा हूँ कि दुनिया में ये बड़े पैमाने पर हो रहा है, हमारे अपने लोगों के बीच भी। तमामों लोग, छोटा प्रतिशत नहीं है, ये लोगों का बड़ा प्रतिशत है, वे कुछ करेंगे, कुछ किया जाना है, मान लीजिए कोई काम किया जाना है और वो काम नहीं हुआ। जब काम नहीं हो पाता तो पहला विचार आएगा, उसकी वजह से ये नहीं हुआ, इसकी वजह से ये नहीं हुआ, लेकिन हमने काफी हद तक अपने लोगों को ठीक कर लिया है कि अब वे किसी पर उंगली नहीं उठाते। आप देखेंगे कि तमामों लोग किसी आध्यात्मिक कारण की तलाश करेंगे, काम क्यों नहीं हुआ। पता नहीं सद्गुरु क्या हुआ, हमने सब किया और ठीक से किया। असल में वे मुझे दोष दे रहे हैं। सद्गुरु, आपकी कृपा काम नहीं कर रही है। पहले दिन से, इनर इंजीनियरिंग के पहले दिन से, यहां तक कि फ्री परिचय सत्र में भी, केवल एक चीज जो हम आपके सिर में डालने की कोशिश कर रहे हैं, अगर कोई चीज काम नहीं कर रही है तो जाहिर है कि उसे ठीक से नहीं किया गया है। हेलो, कोई चीज ठीक से नहीं की गई है। हो सकता है कि आपको अभी वजह पता नहीं है, वो मुद्दा नहीं है, पर कोई चीज काम नहीं कर रही है, कोई चीज ठीक नहीं हुई है, जैसे होनी चाहिए थी वैसे नहीं हुई, तो जाहिर है कि हमने कोई चीज ठीक नहीं की। पर लोग आध्यात्मिक समाधान ढूंढते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए यही आध्यात्म है। जीवन की सरल चीजों को वे जटिल बना देते हैं और वो आध्यात्म है। नहीं नहीं, आध्यात्म का अर्थ है सबसे रहस्यमय चीजें जो आप अपनी पांच इंद्रियों या अपनी बुनियादी तर्क के माध्यम से समझ नहीं सकते, उन्हें काफी तार्किक रूप से उपलब्ध कराना, ये आध्यात्म है। पर सरल चीजों को अनुपलब्ध और आध्यात्मिक बना देना किसी भी तरह का आध्यात्म नहीं है। तो आपको ये समझना चाहिए कि अगर आपके काम में टकराव हो रहा है, अगर टकराव है तो जाहिर है कि आप सैंड पेपर हैं। आप सैंड पेपर जानते हैं, मैं उनसे आपको एक सैंड पेपर देने के लिए कहूंगा, एक छोटा टुकड़ा। रोज जब भी आपका किसी से टकराव हो तो बस अपनी त्वचा को कहीं पर थोड़ा रगड़ दें। तो अगर आप खुद को जल्दी ठीक नहीं करते तो आपकी कोई त्वचा नहीं बची होगी। जब आपके पास कोई त्वचा नहीं बची होगी तो आप कुछ भी नहीं छुएंगे, आप नहीं टकराएंगे, आप टकराव की तलाश नहीं करेंगे, आप आहिस्ता चलेंगे। मान लीजिए आपकी त्वचा नहीं होती तो आप कैसे चलते? आप ऐसे चलते कि एक छोटा सा पंख भी आपको न छुए, इस तरह चलते हैं ना, क्योंकि अब हर चीज में दर्द होगा। अगर आप वैसा इलाज चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, वरना पहले अपने होश में आइए। टकराव हो रहा है, यानी जहां भी आप जाते हैं टकराव हो रहा है, तो जाहिर है कि वजह आप हैं। टकराव कम करने के लिए आप एक सरल चीज कर सकते हैं, मैंने आपको कई बार कहा है पर आपने बात नहीं मानी। आप एक दिन में या एक घंटे में या एक मिनट में, फॉर इन अ मिनट हाउ मेनी वर्ड्स पर मिनट आर यू अटरिंग, ब्रिंग इट डाउन टू 50%। प्रति मिनट जितने शब्द आप बोलते हैं उसे 50% तक नीचे ले आइए, फिर भी वही काम कीजिए। आप देखेंगे कि टकराव काफी कम हो जाएगा, सिर्फ इसलिए कि आप बकबक नहीं कर रहे हैं। हाँ, और हम आपको प्रशिक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जो भी देखते हैं, चाहे आप किसी आदमी, औरत, बच्चे, गाय, गधे, गधे को भी आपको नहीं, फिर टकराव कैसे नहीं होगा? टकराव होगा। तो सिर्फ जब सद्गुरु यहां हैं तो इस तरह,
बाकी समय इस तरह ये काम नहीं करेगा। इसे खुद के अंदर लाइए, सिर्फ एक प्रतीक के रूप में नहीं, वास्तव में। तो टकराव दो प्रकार के होते हैं, एक आपके भीतर, बाहर सिर्फ ये एक अभिव्यक्ति और एक परिणाम होता है। तो इनर इंजीनियरिंग की पूरी चीज का मतलब सिर्फ इतना है कि जब आप यहां बैठते हैं तो आप बिना किसी टकराव के यहां बैठ सकें। अगर आप यहां बिना किसी टकराव के बैठ सकते हैं तो बाहरी टकराव भी कम हो जाएगा, पर जब आप किसी सैंड पेपर से मिलते हैं तो कुछ टकराव तो होगा। सैंड पेपर होते हैं, हेलो। तो जब आप एक सैंड पेपर से मिलते हैं तो टकराव तो होगा, वरना कैसे ये होगा। तो आम तौर पर हम सैंड पेपर से जितना हो सके बचते हैं, पर कभी कभी हमें उनके साथ काम करना पड़ता है। जब हमें सैंड पेपर के साथ काम करना हो तो आपको चतुराई चाहिए होती है। ये चीज आपको सीखनी होगी, वरना ये नहीं आएगा। इसमें कुछ भी आध्यात्मिक नहीं है, ये समाज में चतुराई है। कभी कभी ये काम नहीं करती, पर ये हुनर की बात है। कुछ लोग जो बिल्कुल आध्यात्मिक नहीं होते, वे सैंड पेपर से मिलने पर बहुत चतुराई से काम लेते हैं। आप ऐसे एजेंटों और दूसरे लोगों को देखेंगे जो सरकारी कार्यालयों और राजनीतिक माहौल में काम करते हैं, वे बहुत चिकने होते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा व्यक्ति कितना अक्खड़ है, ये लोग बस वे सिर्फ अपना काम निकाल कर चल देते हैं। तो सैंड पेपर के साथ काम करने के लिए हुनर और अनुभव चाहिए। इसमें कुछ आध्यात्मिक नहीं है, ये एक सामाजिक हुनर है। पर आम तौर पर आश्रम में बहुत कम सैंड पेपर हैं। कभी कभी लोग उन पर रेत डाल देते हैं, पर वे झाड़ देते हैं। वे उसे हर समय खुद पर नहीं रखते। कभी कभी वे वैसे होते हैं, वे हर समय वैसे नहीं होते। तो जब वे वैसे होते हैं, जब साही के कांटे खड़े हों, तो आपको थोड़ा दूर रहना चाहिए। जब वो नीचे हों तो आप उनसे बात कर सकते हैं। वो हर समय कांटे खड़े नहीं रखता, उसमें उतनी ताकत नहीं होती। तो आपका टकराव आपको समझना चाहिए, ये सिर्फ आप हैं। मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। आपको बस इतना ही करना है, हम आपके लिए एक विशेष गधा लाएंगे। आपको उसको पीछे से झुककर प्रणाम करना होगा, सामने से नहीं। सद्गुरु, मैं गया और गधे के खुरों को छुआ। नहीं, सामने से ये काम नहीं करता है, ये पीछे से ही काम करता है।